बाद में कौमी असेंबली जो तक इन 196 ते वोटन की बीहर गणप की रिटर्निंग ऑफिसर तारीख मुकर्र कर छी है। रिटर्निंग ऑफिसर गुलाम अली कनासरो के सामू मोहम्मद मियाँ सूमरो एजाज जखरानी जहा वकील पेश थे। आगाह किया वहां के 7 दिसंबर से वोटन की बीहर गणप की तारीख मुकर्र कई वही। मोहम्मद मियाँ सूमरो एजाज जखरानी के पेश थियण जो हुक्म दिनों पो है। एन ए 196 ते पीटीआई उम्मीदवार मोहम्मद मियाँ सूमरो 92,000 का वोट खड़ी कामयाब थो हो। पीपी उम्मीदवार एजाज जखरानी मुखालिफ धुर से धांधली जो इल्ज़ाम हड़े इलेक्शन ट्रिब्यूनल सखर में दरख्वास्त दाखिल कराई हुई। तफसील मालूम क्यों जैकबात में अब्दुल गनी खोसो का। अब्दुल गनी आगाह कजो हाँ वोटन की बीहर गणप कई वी। जी बिल्कुल, जे कौमी असेंबली तक एन ए 196 से इलेक्शन ट्रिब्यूनल पारा 3 दिन के अंदर वोटन के बीहर हुकुम गणप के हुकुम का रिटर्निंग ऑफिसर जो अज उनकी अदालत में बुधड़ी थी है, जैमें वफाकी वजीर मोहम्मद मियाँ सूमरो सूबाई सलाहकार जो पीपी हारायल उम्मीदवार एजाज जखरानी जहाँ वकील पेश थे। उन मौके से अदालत बिन्हीं वकीलन के उन्होंने बीहर गणप जो डेट 7 दिसंबर मुकर्र कर छोड़ो, जैसे तो अदालत पारा हिदायत कई वही है तो जे उम्मीदवार 7 दिसंबर से पेश थन जी माना वोटन की जी बीहर गणप की जी शुरुआत थी सके। इन हवाले से बुधाई दौलत एन ए 196 से पीटीआई के उम्मीदवार मोहम्मद मियाँ सूमरो 92,000 का वोट खड़ी कर कामयाब थो, जैसे कामयाबी के खिलाफ पीपल्स पार्टी के उम्मीदवार जो इन वक्त सूबाई सलाहकार एजाज जखरानी है वह उन इलेक्शन ट्रिब्यूनल में जो सखर में दरख्वास्त दाखिल कराई हुई। गुजरियल हफ्ते जो है इलेक्शन ट्रिब्यूनल पारा बीहर गणप जो हुक्म दिनों जैंखा जो अज अदालत में बुधनी थी है। जी मेहरबानी अब्दुल गनी अपडेट करने लाए। आगाह किया वहां के सिंध हाई